ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस रहने वाला है, अब यहाँ पे जो आपको लॉक है, जो की का लॉक है, वो साइड में ही बजाज ने ऑफर किया है। सिंगल चैनल एबीएस के साथ जो ये बाइक है वो यहाँ पे बजाज ऑफर कर रही है। अब फ्रंट के जो फुटपैक्स हैं उनके पोजिशनिंग काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्ट की गई है। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। 160 सीसी सेगमेंट में अगर आप एक क्रूजर बाइक को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली एवेंजर से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला, और इस बाइक के कॉम्पिटिशन में आपको कोई भी बाइक देखने को नहीं मिलेगी। तो एवेंजर से बेटर ऑप्शन आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 160 सीसी सेगमेंट में आपको एक अच्छी एवरेज मिल जाती है और कंफर्टेबल तो ये बाइक है ही। तो कंप्लीट रिव्यू इस बाइक का करेंगे, और अगर आप इस बाइक को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो क्या इस बाइक का ऑन रोड प्राइस रहने वाला है, और अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हो तो इस वीडियो में भी फाइनेंस की बात भी करने वाले हैं। क्या क्या ईएमआई के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कौन कौन से वेरिएंट्स, कौन कौन से कलर ऑप्शंस के साथ ये बाइक अवेलेबल होने वाली है, तो भी सभी चीज़ों की बातें इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, अगर आप बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो TCS बजाज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द शोरूम यू विल गेट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक के लुक्स और डिज़ाइन से। तो डेफिनेटली लुक वाइज बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा एक क्रूजर लुक के साथ अवेलेबल हो जाती है। फ्रंट में अगर मैं बात करूँ डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स की, तो फ्रंट में आपको एक कॉम्पैक्ट वाइजर मिल जाता है और इस टाइप का जो लुक है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। फ्रंट में अगर मैं बात करूँ हेडलैम्प सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प सेक्शन है वो हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होने वाले हैं। बट यहाँ पे जो LED DRLs हैं वो भी बजाज इस बाइक में ऑफर कर रही है। फ्रंट में अगर बात करूँ सस्पेंशन यूनिट की, तो टेलीस्कोपिक यूनिट मिल जाती है। यहाँ पे आपको रबड़ गार्ड्स मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक यूनिट में। इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप के जो इंडिकेटर्स हैं वो अवेलेबल होंगे, हैलोजन बल्ब के साथ ही बजाज इस बाइक को ऑफर कर रही है। तो जो इंडिकेटर्स हैं वो राउंड शेप के बजाज ने प्रोवाइड किए हैं, तो इस बाइक का जो लुक है वो एक क्लासिक लुक के साथ ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाती है। फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ इस टाइप का अवेलेबल होने वाला है। फ्रंट में अगर बात करूँ टायर सेक्शन की, तो फ्रंट में आपको 90x90 का टायर सेक्शन मिल जाता है। 17 इंचज के जो व्हील्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। फ्रंट में अगर मैं बात करूँ डिस्क साइज़ की, तो यहाँ पे बजाज ने 300mm की जो डिस्क साइज़ है वो यहाँ पे बजाज ने ऑफर की है। सिंगल चैनल ABS के साथ जो ये बाइक है वो यहाँ पे बजाज ऑफर कर रही है। फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो टीयर ड्रॉप शेप का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ पे आपको एवेंजर की जो एक 3D बैजिंग है वो इस टाइप की अवेलेबल होने वाली है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ जो ये एवेंजर की बैजिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। कलर की बात करूँ तो ये बाइक का जो कलर रहेगा वो स्पाइसी रेड कलर रहने वाला है, और जो ग्राफिक्स हैं वो भी कुछ इस टाइप के यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब अगर बात करें इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड यूनिट 2 वॉल्व इंजन अवेलेबल हो जाता है। DTSI इंजन की पावरिंग के साथ जो ये बाइक है वो अवेलेबल हो जाती है, जिससे जो ये बाइक है वो एक क्रूजर लुक इस बाइक को प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे जो फुटपैक्स हैं वो आपको फोल्डेबल अवेलेबल होने वाले हैं। ब्रेक पैडल का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम लुक के साथ बजाज ने ऑफर किया है। ब्रेक पैडल है वो क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। मेटल पैनल जो है वो भी कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको 160 स्ट्रीट के जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ इस टाइप के अवेलेबल होंगे, और ड्यूल टोन का जो कलर ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको रेड कलर और यहाँ पे मैट ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो आपको लॉक है, जो की का लॉक है, वो साइड में ही बजाज ने ऑफर किया है। तो यहाँ से आप जो इग्निशन है वो इस बाइक का ऑन कर सकते हो। हैंडल बार और मीटर कंसोल की बात करें, तो सिंगल पाइप हैंडल बार यहाँ पे बजाज ऑफर कर रही है। मीटर कंसोल की बात करें, तो यहाँ पे राउंड शेप का जो मीटर कंसोल है वो अवेलेबल होगा है, और एक छोटी सी जो डिस्प्ले है वो आपको डिजिटल यहाँ पे बजाज ने ऑफर की है। तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स, ऑडोमीटर्स की डिटेल्स, साइड स्टैंड की इंडिकेशन अवेलेबल होगी। तो इस टाइप का जो लुक है वो यहाँ पे मीटर कंसोल का आपको देखने को मिलेगा। स्विचेस की बात करें, तो यहाँ पे आपको पास का स्विच मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम, साइड इंडिकेटर्स ऑन, और इस साइड जो स्विच है वो उसमें आपको इंजन की स्विच, लाइट की एडजस्टमेंट और सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। हैंडल बार में एवेंजर की जो मेंशनिंग है वो भी क्रोम के साथ अवेलेबल हो जाती है, जो इस बाइक को एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ, तो टॉप से जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, और यहाँ पे आपको जो फ्यूल की इंडिकेशन है वो एनालॉग यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। यहाँ पे आपको एज यूजुअल जो न्यूट्रल की लाइट है वो मिल जाती है, इंजन की लाइट यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है, और यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स की जो लाइट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो जो ये कंसोल है वो आपको फ्यूल टैंक के जस्ट ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। सीट की बात करें, तो सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड और वेल पैडेड सीट यहाँ पे बजाज ने ऑफर की है। 737mm की जो सीट हाइट है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। आप सीट की थिकनेस देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपको वाइड और वेल पैडेड सीट यहाँ पे बजाज ऑफर कर रही है। तो राइडर की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड अवेलेबल होने वाली है। रियर की जो सीट है वो भी कुछ इस टाइप की अवेलेबल होगी। रियर में एक कंप्लीट ग्रैब होल्डर यहाँ पे बजाज ने ऑफर किया है। और रियर का अगर मैं लुक की बात करूँ, तो रियर का जो लुक है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे आपको रियर में जो लाइट है वो हैलोजन बल्ब के साथ ही बजाज ने ऑफर किया है। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है, शॉर्ट टाइप का आपको रियर फेंडर अवेलेबल होने वाला है। एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होगा, और इस टाइप का जो डिज़ाइन है। रियर में आपको जो डबल साइडेड कॉइल स्प्रिंग है वो अवेलेबल होगी। नाइट्रॉक सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले। रियर में जो टायर साइज है वो 130x90 का टायर सेक्शन मिल जाता है, और रियर में 15 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं वो बजाज ने यहाँ पे ऑफर किए हैं। तो सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक अवेलेबल हो जाती है, बट रियर में भी आपको एक ABS की जो चैनल है वो देखने को मिल जाती है।
और रियर में ड्रम ब्रेक्स यहाँ पे बजाज ऑफर कर रही है। अब अगर बात करें इस बाइक के प्राइसिंग की, तो एक एग्जैक्ट प्राइस का जो आइडिया है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो अगर बात करें इस बाइक के एक्स शोरूम प्राइसिंग की, तो ये बाइक आपको 1,12,602 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस के साथ अवेलेबल हो जाती है। इंश्योरेंस की बात करें तो इस बाइक में आपको 5 ईयर का जो इंश्योरेंस है वो अवेलेबल होगा, जिसका अमाउंट 10,845 रुपये के करीब रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो रहने वाले हैं वो 9,937 रुपये के करीब रहेंगे। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस रहने वाला है वो 1,33,883 रुपये का रहेगा। हरियाणा से इस बाइक को परचेस करते हो तो फरीदाबाद सिटी में ये प्राइस रहने वाला है, बाकी सिटी वाइज आपको डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत वेरिएशन है वो डेफिनेटली मिलेगा। अब अगर बात करें इस बाइक के फाइनेंस की, तो अगर आप इस बाइक के डाउन पेमेंट 20,000 के करीब करते हो, तो आपको 6,218 रुपये की पर मंथ की 23 मंथ्स की जो EMI है वो डेफिनेटली पे करनी पड़ेगी। तो ये थे इस बाइक की सारी डिटेल्स, बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टिल द टाइम स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।